उस लिस्ट पर जितने भी लोग हैं सबने मेरी ही तरह फेक डॉक्यूमेंट्स देकर लोन हासिल किया होगा। वो लोन अलग अलग बैंक से लिया होगा, किसी ने प्राइवेट तो किसी ने इंटरनेशनल बैंक से। लेकिन उन सभी लोगों के फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाने वाला, लोन दिलवाने वाला एक ही टीम का एजेंट है, सबका एक ही नेटवर्क है। हमारी इन्फॉर्मेशन चुराते हैं, हमारी जरूरतों का फायदा उठाकर हमें टारगेट करते हैं, अलग अलग सोर्सेज से हमारी डिटेल्स खरीदते हैं। इन्हीं के बारे में बताया था, इनकी एक जेरॉक्स की दुकान है लेकिन आजकल बिजनेस थोड़ा ठंडा है, आप इनकी मदद कर सकती हैं? ओके। हाल ही में हमने एक लकी ड्रॉ स्टार्ट किया है, ये हमारी नई स्कीम है। कस्टमर्स से उनके डिटेल्स लेते हैं और फिर जेरॉक्स वाले से वही पेपर्स की कई कॉपीज बनवाते हैं। इस तरह से उनका बहुत फायदा होता है, आपका भी काम बन सकता है। इसके लिए आपको शॉप के ओनर से मिलना होगा। भाई साहब, आजकल जेरॉक्स कोई नहीं करवाता, आजकल लोग अपने स्मार्टफोन पे ही स्नैपशॉट्स ले लेते हैं सर। एक रुपया कॉपी का रेट है, बिजली के पैसे भी नहीं निकलते। मैं बताता हूँ सर, पैसा एक तरीके से बनता है, इन्फॉर्मेशन बिजनेस से। हम डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स भेज देते हैं। लक्की ड्रॉ के बम्पर प्राइस के लालच में हजारों लोग अपने फोन नंबर और ईमेल आईडी शेयर करते हैं। हम लोग इसके जेरोक्स निकाल लेते हैं और हर एक डेटा का हमें एक रुपया मिल जाता है। 50,000 डेटा इक्वल्स टू 50,000 रुपए। हमारे क्लाइंट्स हमसे आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और सर्टिफिकेट्स की कॉपी खरीदते हैं, जो हमने एक्स्ट्रा निकाल के रखी होती हैं। उसके रेट अलग हैं सर। एक बात और, फ्लाइट से उतर के हम नॉर्मली बोर्डिंग पासेस फेंक देते हैं, उन पर एक QR कोड प्रिंटेड होता है। उस कोड को स्कैन करेंगे तो उसमें पैसेंजर के पासपोर्ट डिटेल्स, कॉन्टेक्ट नंबर और टिकट खरीदने के लिए जो कार्ड इस्तेमाल हुआ है उसके बैंक डिटेल्स, मतलब पूरी जन्म कुंडली खुलती है। डिटेल्स बेचने पे खूब अच्छे दाम मिलते हैं। कौन सा पंडित इन जन्म कुंडलियों को पढ़ता है? कुछ खास एजेंट्स हैं, उनका कॉल सेंटर वालों से कांटेक्ट होता है। कॉल सेंटर वाले बहुत मस्त पैसा देते हैं। आपको कॉल सेंटर या फाइनेंस कंपनी से फोन आता होगा, कार लोन लेना है क्या, होम लोन लेना है क्या, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, ऑफर्स, फॉरेन ट्रिप्स, थाई मसाज, सुबह शाम मैसेज ही मैसेज। इन कॉल सेंटर वालों के पास हमारे नंबर कहां से आते हैं? ये सारा इन्फॉर्मेशन उन्हें कौन पहुंचाता है? कंपनीज को नए कस्टमर्स चाहिए होते हैं और फ्रॉड को नए शिकार की तलाश रहती है। ये सब इन्फॉर्मेशन कॉल सेंटर से खरीदे जाते हैं, इसीलिए दिन रात कॉल सेंटर से फोन आता है, क्रेडिट कार्ड ले लो, लोन ले लो। सही कहा, यहाँ हजारों कॉल सेंटर्स हैं। हमें लूटने वाले कॉल सेंटर को ढूंढना रेगिस्तान में सुई ढूंढने जैसा होगा। अभिमन्यु, लोन के लिए लास्ट कॉल कब आया था, याद करने की कोशिश करो। लोन के लिए अप्लाई करने के बाद कोई कॉल नहीं आया था। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? लोन रिजेक्ट होने के बाद कॉल बंद हो गए। इन सभी विक्टिम्स का एक ही कॉमन फैक्टर है और वो है लोन रिजेक्ट होना, मतलब इन सभी को लोन नहीं मिला। अब इस बात की इन्फॉर्मेशन उस नेटवर्क को कहाँ से मिली होगी? बात यह है कि जब एक बैंक किसी भी वजह से लोन रिजेक्ट कर देता है तो दूसरे बैंक भी उसे इजीली अप्रूव नहीं करते, तो वो लोग एक रिजेक्ट लिस्ट बनाते और कॉल सेंटर वालों को फॉरवर्ड कर देते हैं और वो लोग उन्हें कॉल करना बंद कर देते हैं। इस फ्रॉड के शिकार यही कुछ 18 लोग हैं। इन्होंने कई बैंकों में ट्राई किया होगा और उनमें से सिर्फ 3 बैंक्स ने लोन रिजेक्ट की होगी। इन तीनों बैंक्स का एक कॉमन कॉल सेंटर है, उसका नाम है TTS, जो कि OMR में है। श्याम, वी आर इन पोजीशन, रेडी टू गो। हे जैक, कहाँ है मैन? फ्रंट एंट्रेंस से रिसेप्शन एरिया में पहुंचा हूँ। श्याम, फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे। फर्स्ट मैनेजर सामने। ए इडियट, उसका नाम बताना हम लोग को। गोपीनाथ। ओहो, गोपी के साथ गोपियां भी हैं। ओके ओके, मैं देख लेता हूँ। मुझे व्हाइट डेविल के बारे में पता है। श्याम, गोपीनाथ का चेहरा देख, हवाई उड़ चुकी होंगी उसकी। क्या हुआ? ये कोई और है। ठीक है, दूसरे पे ट्राई करता हूँ। ए श्याम, वो आंटी देख, उर्वशी, इसे किडनैप करने में आसानी होगी, दुबली पतली है। SMS भेजो प्लीज। गौर, यही हो भेज दिया। फेस रीड कर, मैसेज पढ़ा। अरे वाह, यही है ना, उठा ले शाम, किडनैप कर। फिर से रॉन्ग नंबर। मैन, असली नंबर कब मिलेगा? हे मोहन को मैसेज भेजो। ये तो शक्ल से ही बेवकूफ लगता है, इसके बस की बात नहीं है। I know about white devil. Hi. क्या हुआ? Any problem? बता सकते हैं टॉयलेट कहाँ है? Hey man, ये कोई सुसु जाने का आगे से लेफ्ट की तरफ। ओके, चलिए मैं दिखाता हूँ। Thanks. आइए। Excuse me, I'll be back. Hello, Jake. Jake. एक मिनट। किसोर जा रहा है। Hello. हाँ, ग्राउंड फ्लोर के रेस्टरूम की ओर। What man? सबको एक साथ सुसु आई है क्या? हाँ बोलो। किसी का मैसेज आया है, लिखा है मेरा आपसे कनेक्शन है। बी रिलैक्स्ड,
नंबर क्या है? नहीं है, सिस्टम जनरेटेड है। बहुत रिस्की मामला है, अगर बात आउट हो गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। डरो मत। बिलाल कहाँ? ऑफिस में हूँ, वॉशरूम के अंदर। सिम फटाफट निकालो और फ्लश कर दो, एक आदमी आएगा, जो कहे करना। का यही है, पार्किंग की ओर आ रहा है। जल्दी कर, जल्दी कर। फंस गए यार, गलत गाड़ी है, कुछ करो यार, जल्दी। सोच क्या रहे हो, जल्दी। ए सुनो, यहाँ सफाई हो चुकी है, वहाँ पर जाके करो। अरे उधर जाके सफाई करो। कौन है तू? मैं स्वीपर दिखता हूँ। अरे तो और क्या दिखता हूँ? पागल हो गया है? चलिए निकाल, आईडी दिखाओ। दिमाग में नहीं घुसा? जा सकते हो? अरे नहीं जा सकते आगे, पहले आईडी दिखाओ। भाग यहाँ से, उसको बोल दूंगा तुम्हारा नाम, तुझे अभी बताता हूँ। नहीं जा सकते तुम? अरे काम तो पूरा करो। लगा झटका, वो निकल चुका है। स्टार्ट, मूव मूव मूव। ओके, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। अब राइट की ओर। ठीक है, फिर से लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। स्टॉप, यहीं रुक जाओ। स्टॉप 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 स्टॉप। वो तुम्हारे आसपास ही होना चाहिए। यहां तो कोई नहीं दिख रहा, तो कहां होगा? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो, मैं सच कहता हूँ, मुझे अटैक। ऑन योर नीज, नीचे बैठो, नीचे। हिलना मत। क्यों मैं बकरूं? आर्मी एरिया में ट्रेसपासिंग करने की हिम्मत करते हो, वो भी सर्विलेंस वैन में बैठकर, हाईटेक वेपन्स के साथ। टेररिस्ट वेररिस्ट हो क्या? नहीं सर, हम टेररिस्ट नहीं है। उससे क्या फर्क पड़ता है? मिलिट्री का तो बस एक ही रूल है, पहले गोली चला दो, फिर पोस्टमार्टम में तुम कौन हो इसका पता लगा लेंगे। रुकेंगे वो बॉयज। शूट शूट शूट। क्या हुआ, सारे के सारे बच गए? ये नकली गोलियां हैं। क्या यार, मिलिट्री के नाम पे इन्हें इतना डराया था, बुलेट चेंज करने में कितना टाइम लगेगा? 90 सेकंड्स। अच्छा, तू तो रिकॉर्ड होल्डर है यार। अच्छा, अपना रिकॉर्ड तोड़ना, आज 45 सेकंड्स में बुलेट बदल के दिखाना। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हमने सीबीआई के लिए ट्रेनिंग ले रखी है सर, हमारी एक्सपर्टीज है सर्वेलेंस और ट्रैकिंग। हम चारों लोग अनाथ हैं, अमर ज्योति एजुकेशनल ट्रस्ट में हमारी पढ़ाई हुई है सर। चीफ करेस्पोंडेंट ने हमें सीबीआई ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। जैसे ही हमारी ट्रेनिंग पूरी हो गई, हमने रिजाइन कर दिया और अपने बॉस के लिए काम करने लगे। बॉस का नाम? सत्यमूर्ति। अभी तुम रिची स्ट्रीट से एक हार्ड डिस्क लाए थे? मैं पूरा डेटा तो नहीं, फिर भी चार ऑडियो फाइल्स रिकवर कर पाया हूं। उनमें से एक फाइल अमर ज्योति ट्रस्ट के फाउंडर की निकली। लगता है उसके और सत्यमूर्ति के बीच कोई तो कनेक्शन है। अनाथ बच्चों के नामकरण से लेकर पालन पोषण ट्रस्ट ही करता है। हमने उसे सत्यमूर्ति का नाम दिया, लेकिन वो अपनी पहचान छुपा कर रखता था और उसका रोल नंबर ही उसकी पहचान बन गई थी। सन 1999 जब Y2K एक बहुत बड़ा इशू हुआ करता Y2K। सारे वर्ल्ड बैंक्स में Y2K का खौफ था। उन्होंने सन 2000 में अपने सारे डेटाज हार्ड ड्राइव से फाइल्स में उतार लिए। टनों के हिसाब से हार्ड ड्राइव्स कंप्यूटर्स कचरे में फेंक दिए गए। सबने उसे कबाड़ ही समझा।
सिवाय सत्यमूर्ति के। सत्यमूर्ति ने वही कबाड़ कचरे के भाव में खरीद लिया और उसके 4 कंटेनर भर के अपने वर्कशॉप पर ले आया। हमें जान की धमकी देके वो ट्रस्ट उसने अपने नाम करवा लिया। उसी ट्रस्ट के नाम पे एक वेयरहाउस शुरू किया, हार्ड डिस्क में स्टोर्ड बैंक्स डेटा का बैकअप लिया, व्हाइट डेविल नाम के यूजर आईडी से एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का जाल बिछाया। ट्रस्ट जब उसके नाम ट्रांसफर हो गया तो अननोन सोर्सेज से पैसा बरसने लगा। मैं घबरा गया और ट्रस्ट की सस्पिशियस एक्टिविटीज के बारे में मैंने सवाल किए। एक दिन उसका साइन किया हुआ ब्लैंक चेक मेरी टेबल पे रखा मिला। मैंने फोन करके उसे वजह पूछी तो उसने कहा जो तुम्हें ठीक लगे वो अमाउंट भर लो, मैं बेचने वाला नहीं हूँ, मैं पुलिस के पास जाऊंगा। तो उसने कहा कि तुम्हारी बेटी के बेडरूम में जो वॉल क्लॉक लगी हुई है उसे पीछे से खोलो, उसमें कैमरा निकला, उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। ऐसा जालिम इंसान मैंने कभी नहीं देखा और उसका सच जाने बिना यूनिसेफ उसको प्रमोट कर रहा है। मैं तो डर गया। इतना बिल्डअप किस लिए? लॉबी में ही देख लिया था तुझे। प्लान तो अच्छा था। एक सेकेंड। मेजर अभिमन्यु, कितने पैसे लूटे तुमसे? यही कुछ 10,25,000 रुपए। टाइम प्लीज, गिव मी 5 सेकेंड्स। डन। ओके, अकाउंट चेक कर लो, पूरे पैसे पहुंच गए। अब क्या करोगे? पुलिस? ओके, लेट मी कन्फेस, आज तक 800 करोड़ चुराए हैं। इस देश में 8 रुपए, 8,000 या 800 करोड़ चुराओ, केस सेम ही लगता है। 420, माना कि मैं 420 हूं और तुमने भी गवर्नमेंट को चीट किया है। तुम भी 420 हुए, तुम्हें लेकर 10,000 लोगों को चीट किया और उन सब के सब ने गवर्नमेंट को चीट किया। हम सब जेल जाएंगे। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, जब बाहर आऊंगा तो मेरा पैसा ट्रस्ट में बिल्कुल सेफ होगा, कोई उसे छू नहीं सकता। पर बाकी बेचारे मिडिल क्लास बर्बाद हो जाएंगे। जेल जाने के बाद, जेल जाने की शर्मिंदगी से जिंदगी भर के लिए खून के आंसू रोएंगे। चोर को अगर पिच्छू काट ले तो चुप रहना पड़ता है। तुम सब के सब चोर हो और वो पिच्छू मैं हूं। मैं काटूंगा और तुम्हें चुप रहना पड़ेगा। मुझे गोली मारना चाहते हो? मार दो मेरे पीछे, मेरी फैमिली में रोने वाला कोई नहीं है। क्या सोच रहे हो कि इतना पैसा मैं लेकर क्या करूंगा? लोगों को क्यों लूटता हूं यही जानना चाहते हो ना? क्योंकि मुझ में दम है। तुमने मेरे एजेंट को किडनैप किया, इसकी खबर मुझे 3 दिन पहले ही लग चुकी थी। तू सीसीटीवी कैमरा से अम्ब्रेला में तो छुप गया, लेकिन बदकिस्मती से एक सेल्फी में कैद हो गया। क्या लगता है, गन हाथ में तो किसी का भी भेजा उड़ा देगा? गहराई जाने बिना पानी में छलांग नहीं लगाते मुन्ना, नहीं तो डूब जाएगा। मेजर, इंफॉर्मेशन इज वेल्थ। तुमसे ज्यादा मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं। जानना चाहेगा कि इस वक्त तेरी बहन कहां है? मैं बताता हूं। कुछ मिनट पहले कोयम्बतूर के बस स्टैंड पर एक बस से उतरी है और एक ऑटो में जाके बैठी है जिसका नंबर है 8203। ड्राइवर ने ऑटो को रोड के बीचों बीच रोक दिया और वहां से भाग गया। ए, कहां जा रहे हो? तेरी बहन कुछ समझ पाती उससे पहले एक ट्रक आया और धड़ा। 5 मिनट में अगर मैं वापस नहीं पहुंचा तो मेरे आदमी उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय मुर्दा घर पहुंचा देंगे। इफ यू डोंट माइंड, मैं लेफ्ट ऑन करूं। अभिमन्यु, फ्लैग्ड अकाउंट का मतलब समझते हो? वो अकाउंट जो टेररिस्ट यूज करते हैं। मिशन पूरा होने के बाद उस अकाउंट में जितने पैसे हैं उसे वैसे ही छोड़ देते हैं और जो कोई भी उस अकाउंट को छूता है ऑटोमेटिकली टेररिस्ट से उसका लिंक हो जाएगा। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, सीबीआई, इंडियन मिलिट्री उस पर पैनी नजर रखनी शुरू कर देगी। अब सोचो,
ऐसे टेररिस्ट अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए तो क्या होगा? देशद्रोही का लेबल लग चुका है तुम पर। अब मेरे हिसाब से अगले 45 मिनट के अंदर अंदर तुम अरेस्ट हो जाओगे, तो बेहतर है कि अपनी बहन को बचाने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाओ, शायद बच जाए। गुड लक।